दोस्तों, जब बात कालगणना यानी कि टाइम कैलकुलेशन की होती है तो इसके संदर्भ में युग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हम सब कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस कलयुग के अंदर भी बहुत सारे युग हैं। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि आप सभी ने कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि आज का युग विज्ञान का युग है या फिर टेक्नोलॉजी का युग है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि कोई एक स्पेसिफिक एरा या फिर समय की एक विशाल अवधि युग कही जाती है। दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि मुख्यतः चार युग हैं और वह कौन कौन से हैं। लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी खास जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले आपने शायद ही सुनी होगी। पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन सा युग कितने वर्षों तक चला। सबसे पहले तो सतयुग, जो कि 17,28,000 वर्ष की अवधि का था। दूसरे नंबर पे राम राज्य का समय यानी कि त्रेता युग, जो कि 12,96,000 वर्षों तक चला। तीसरे नंबर पर पृथ्वी पे कृष्ण लीला और महाभारत के युद्ध का समय यानी कि द्वापर युग, जो कि 8,64,000 वर्षों तक चला। और चौथे नंबर पर वर्तमान समय कि जहां पर आप और मैं हम सब सर्वाइव कर रहे हैं यानी कि कलयुग, कि जिसकी अवधि बाकी के तीनों युगों से कम है यानी कि 4,32,000 वर्ष। और दोस्तों, अभी इसमें से सिर्फ 5,248 साल ही बीते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अन्य युगों की नहीं बल्कि हमेशा कलयुग और सतयुग की ही तुलना क्यों की जाती है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट है। और अभी से कलयुग की शुरुआत में ही लोगों की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि हर किसी को सतयुग वाली शांति याद आती है। सब चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कलयुग का अंत हो जाए और फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब एक महत्वपूर्ण घटना घटेगी। जब भगवान कल्कि कलयुग का अंत करेंगे तो कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए एक बेहद ही खास घटना घटेगी, जिसे कि युग परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ऋतु भी समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद सृष्टि में युग का परिवर्तन होना अटल सत्य है। इसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। जैसे ही सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूर्ण करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी, तब फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो कि सतयुग के नाम से जाना जाएगा। और पुनः इसकी अवधि 17,28,000 वर्षों की रहेगी। मनुष्यों की आयु हजारों वर्षों तक बढ़ जाएगी। कर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य अपने तपोबल से देवताओं से बात कर पाएंगे और साथ ही स्वर्ग आदि लोकों में आवागमन भी कर पाएंगे। इस सतयुग में हर तरफ सच्चाई और सुख होगा। इसी कारण से इसे सृष्टि चक्र का सुवर्ण युग कहा जाएगा। तो ये थी जानकारी युग परिवर्तन और सृष्टि चक्र के बारे में। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।